जीती आमद ते आका खड़े हो गए बख्ते जहरा बख्ते जहरा बहुत मोतबर देखे बख्ते जहरा बहुत मोतबर देखे सुभान अल्लाह। असल खालिक है हफीज नायब रहमतुल्लाह ने, जो पहले दो मिसरे हैं जिसको कलाम का मुखड़ा कहा जाता है वो उनके लिखे हुए हैं। आगे जो अशार मैंने पढ़े ये वालिद मोहतरम के हैं, लेकिन इसमें एक शेर हमारे बड़े प्यारे भाई गुलाम मुर्तजा ने मुझे हदिया किया और उस शेर ने इस कलाम को चार चांद लगा दिया। अब वो शेर पढ़ने लगा स्टेज से भी अपने उलमाए कराम की तवज्जो और मोहब्बतों का सहारा लेकर, लेकिन मुझे उम्मीद है जब पहला मिसरा आपने समाज करना है, मैंने आपको तीन चार कलाम सुनाए, कहीं ये नहीं कहा कि दोनों हाथों को उठाकर कहें चीख कर बोले चिल्ला कर बोले, मेरी ये तरतीब नहीं है। लेकिन अब जो शेर पढ़ने लगा हूँ शेर का तकाजा है पहला मिसरा खत्म हो और अगर मेरी बात को समझ जाए, जितने भी आप बाप आए बैठे हैं दोनों हाथों को उठाइएगा सुभान अल्लाह की सलाह लगाइएगा। अभी आपने जुमला समा किया जीदी आमद पे आका खड़े हो गए जीदी आमद पे आका खड़े हो गए बख्ते जारा बहुत मोतबर देखिया। अब शेर सुनिएगा उधर आका ने सलातु सलाम का तर्ज अमल है इधर कौन है जुमला फिर से दोहरा रहा हूँ उधर आका है इधर कौन है मुलाजा फरमाइए जीदी तकदीर पे जीदी तकदीर पे खुद खुदा तकदीर पे खुद खुदा बोलिया रुतबाए आयशा मोतबर देखिया रुतबाए आयशा मोतबर देखिया। आपके शौक को देखते हुए एक शेर और सुनिए और इसी शेर पे मेरी हाजिरी का इख्तिताम। सारे शैतान शैतान सारे शैतान नस दे उमर पाक को सारे शैतान नस दे उमर पाक तो आज भी नसदा आज भी नसदा उमर तो कुफर